The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What are the health habits जो कि आपकी ज़िंदगी बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे? ऐसी कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे जीवन रेखा आपकी लंबी हो जाएगी, आपके हाथों में नहीं, आपके एक्चुअल जीवन में? सो व्हाट आर द एक्चुअल लॉन्जिविटी इंक्रीजिंग हेल्थ लाइफस्टाइल? व्हाट कैन यू डू? भाई किया की करना पैदा। सो कौन नहीं जानना चाहेगा? सब जानना चाहेंगे। मैं खुद जानना चाहूँगा, बाकी मैं खुद ही बताऊँगा। सो अब अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज, एक चीज बताइए, मतलब नंबर वन थिंग, टॉप थिंग जो है एक्सरसाइजिंग। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी, नॉट एक्सरसाइज। क्वाइट फ्रैंकली ऐसा नहीं कि जिम जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, जिम नहीं जाना पड़ता कंपलसरी। इट्स फिजिकल एक्टिविटी, प्लेन एंड सिंपल एज अ पिंपल। प्लेन सिंपल फिजिकल एक्टिविटी, राइट? वो है वन ऑफ द टॉप, मतलब टॉप 5 हेल्थ लाइफस्टाइल फैक्टर जो के कम कर देगी, विच कैन लोअर योर रिस्क ऑफ नॉट 1, 2, 3 सेवरल डिजीजेज एंड एक्चुअली इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, लाइफ क्वालिटी स्पैन, योर हेल्थ। भाई साहब जोरदार एक्सरसाइज, ओनली इफ इट वॉज लाइक ऑन अ पिल। और मैं उसकी बात में, ये है जादू की दवाई तो आप लेते, मगर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी वो तो हम करते ही ना जी ना, प्रॉपर, राइट? क्या आपने सुना है? सबने सुना है, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट ले लो, पतले रहो, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, सबने सुना है, राइट? और रिसर्च भी हुआ है, राइट? तो रिसर्च में क्या ढूंढा, उसने सोचा कि भाई चलो लिखते हैं कि जो लोग एक्चुअली, वेदर दीज पीपल हु फॉलो दिस एडवाइस, ये सारी एक्चुअली लंबा जीवन जीते हैं कि नहीं। तो रिसर्च ने क्या किया, उन्होंने लाइफ स्पैन कंपेयर करी, डाटा लिया और थाउजेंड्स ऑफ एडल्ट लोगों को लेके इन सारे 5 हैबिट्स उठा के, कौन सी 5 हैबिट? नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 हेल्दी डाइट, नंबर 3 वेट मेंटेन किया जिसने, नंबर 4 स्मोकिंग, नंबर 5 अल्कोहल। ये 5 चीजों को लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज। तो उन्होंने क्या किया, कैसे कंपेयर किया? जो पीपल हेल्दी हैबिट रखते थे, जिन्हें एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज की पर डे, और जिन्होंने साथ में रेकमेंडेड अमाउंट फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, नट्स खाए, होल ग्रेन लिए, हेल्दी फैट लिए, और उन्होंने साथ में सॉल्ट भी लिमिट किया, शुगर भी लिमिट किया, ट्रांस फैट भी लिमिट किया, रेड प्रोसेस मीट भी लिमिट किया और अल्कोहल भी लिमिट किया। फीमेल्स जो लोगों ने लिमिट का मतलब 1 दिन में 1 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं ली, मेन ने 2 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं ली, और नॉर्मल वेट मेंटेन किया और स्मोकिंग भी नहीं की, राइट? और दूसरे ग्रुप में दूसरा ग्रुप लिया जिन्होंने पेशेंट्स, बिल्कुल पर्सन, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट, उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन उन्होंने कोई भी हेल्दी डाइट भी नहीं ली और साथ में ड्रिंकिंग भी लिमिट नहीं की, उन्होंने स्मोकिंग भी करी, वो मोटे भी थे, सब था। जय हो, मतलब वो आप थे, बेसिक है कि नहीं, मतलब वो आप थे, आपके घर में बाकी सारे कई लोग थे आप जैसे। तो देखा कि क्या रिजल्ट है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट रिसर्च एस्टिमेटेड के एक 50-year-old फीमेल, एक 50 साल की फीमेल जो हु हैड ऑल द 5 हैबिट्स, गुड हैबिट्स, राइट, वुड लिव ऑन एन एवरेज ऑफ एज ऑफ 93 years। 50 साल की लेडी अगर वैसी हैबिट अच्छी फॉलो करके 93 years तक जी सकती है, और अगर वो हैबिट ना फॉलो करे आगे तो शी वुड लिव ओनली टिल 79 एवरेज 93 एंड 79। और एक 50 साल के आदमी ने अगर अच्छी लाइफ जी तो वो जिएगा 88 इयर्स तक, और नहीं जी कुछ भी नहीं बकवास लाइफ जी तो सिर्फ 76 इयर्स। 76 इयर्स मतलब 12 साल आपकी लाइफ के अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो उससे भी ज्यादा 14 साल आपकी लाइफ के खराब हो जाते हैं अगर आप भैया स्मोकिंग और ये सारी चीजें करते हैं ना। यहां पर ये एक अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर है कि और ज्यादा इसमें डिफरेंस होना चाहिए था देखने से, लेकिन एक अंडरस्कोर है बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों ने नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी है वो भी इतनी नॉन हेल्दी नहीं होगी जितनी कई लोगों की ऑलरेडी है आपकी इंडिया में। यहाँ तो यूएस बेस्ड स्टडी है, यूएस बेस्ड स्टडी इतनी भी अनहेल्दी नहीं होती है राइट। यहाँ तो और ज़्यादा जय हो क्वालिटी है फूड की, यू नो कहाँ क्या मिलावट है, कहाँ क्या प्रदूषण है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मिक्स द एनवायरनमेंट मिक्स दी एट्सेट्रा फर, और तब सोचेंगे कि भैया हाँ आपके कितने चांस है। तो क्वाइट फ्रैंकली अगर आप एक फिजिकल एक्टिविटी तक नहीं रख सकते हो मात्र राइट, सो 5 साल 10 साल तो कहीं नहीं गए आपके, 15-20 साल कम हो जाएंगे लाइफ के। इंडिया के अंदर ये सच्चाई है, 15 से 20 दिन नहीं, महीने नहीं, साल, वो 15-20 साल। और बुरी बात ये नहीं है कि चलो 5-10 साल ही है चलो कोई बात नहीं, कई बोलेंगे भाई मैं फीमेल बोलेगी 79-80 साल तक तो मुझे जीना ही नहीं है सर, अच्छा है मैं 65-70 में ही मर जाऊंगी, क्या है ज़्यादा जी के फायदा नहीं है इतना बुढ़े में। लेकिन वो जो लास्ट का एज भी होती है ना, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो बैड। समबडी हु लिव्स टिल 93 तक जीने वाले की ऑब्वियसली 80s में वो अप एंड अबाउट चलता फिरता होता है, चलते फिरते होते हैं 80 साल की उम्र तक, 85 साल की उम्र तक, तब जाके 90 तक जीत के ऊपर जीते हैं। जो लोग सिर्फ 79 तक जीते हैं वो 70 साल या 75 साल की उम्र पर ही बेड पे आ जाते हैं, लकड़ियों पे आ जाते हैं, या चल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के सहारे लेने लग जाते हैं, खांसते हैं, हॉस्पिटलों की विजिट्स लेते रहते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन कराते हैं, कोई ना कोई दवाई चल रही होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट आ जाता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। तो कौन सी 5 हैबिट है? कोई नया पिटारा नहीं है, कोई नई चीजें नहीं है, सिंपल चीजें हैं। नंबर 1 इज एक्टिव लाइफस्टाइल, खुद का काम खुद करो, सामान उठाओ, खुद काम करो, छोटे छोटे काम घर के खुद करो, एक्टिव लाइफस्टाइल जियो, दौड़ो भागो साइकिल चलाओ, हेल्दी डाइट, किसको नहीं पता वेजिटेबल्स खानी पड़ती है, दूध पीना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स थोड़े खाने हैं, होल ग्रेन्स खाने हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चिकन जो बाहर के तेल घी बटर मक्खन मलाई नहीं खाना है, कि सबको पता है हेल्दी क्या अनहेल्दी क्या है, पर उसकी गहराई को समझो भैया कर क्या रहे हो। पेट सबको दिखता है नहाते समय, उसके बाद कपड़े पहनते समय सब बोलते हैं नहीं मैं तो पतला हो रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा पतला दिख रहा है, किसको उल्लू बना रहे हो, मुझे या खुद को? सीरियसली मोटे हो तो मोटे हो तो होगी लाइफ 10 साल खराब, तो और लाइफस्टाइल भी। हार्ट की बीमारी होने के बाद सोचोगे पतले होना तब नहीं हो पाओगे, घुटने खराब हो जाने के बाद बोलोगे तब एक्सरसाइज तब नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट नाउ और टेक अ बिग गुड हेल्थ इंश्योरेंस, कम से कम इंश्योरेंस तो करा लो, है कि नहीं? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द 5 हेल्दी थिंग्स विच यू हैव टू डू फॉर योर लाइफस्टाइल। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, सिंपल सी चीज़, सॉल्ट कम खाना है, शुगर कम खाना है, ट्रांस फैट रेड मीट प्रोसेस्ड मीट कम खाना है, अल्कोहल कम लेना है, दारू कम पीना है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू कम खाना है, सिंपल सी चीज़ें। कम बोल रहे हैं, नहीं भी नहीं बोल रहे कि नहीं नहीं आज के बाद देखना मत, इंजॉय मत करना लाइफ, कम तो करो। सर मैं करता ही कम हूँ, सिर्फ एक ही डब्बा सिगरेट का पीता, एक ही बीड़ी, अच्छा वो कम नहीं होता। सर मैं महीने में एक बार पीता हूँ, बस जिस दिन पीता हूँ उस दिन फुल 1 लीटर, वो कम नहीं होता। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कम, राइट? सो थिंक अबाउट इट, शेयर दिस एंड टेल मी व्हाट डू यू फील। क्या आप सच में हेल्दी हो?